संभाले। हम अनुयायियों भाइयों बहनों आज के मुख्य कथावाचक श्री श्याम रंजन साख्य जी एवं उनकी कथावाचक टीम के सभी सम्मानित सत्यगण हमारे बीच में आए हुए मैन पुलिस चक्र के साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं कई महाराष्ट्र साख्य जी कन्नौज से हमारे नौजवान साथी कई आकाश साख्य जी आज इस कार्यक्रम में हमारे सब नौजवान साथी शैलेन्द्र साख्य जी ब्रजेश साख्य जी उपेन्द्र कुमार जी अवनी सिंह लल्ला साख्य जी संजय साख्य जी तथा इस गांव के पूर्व में प्रधान रहे एडवोकेट श्री दिनेश चंद जी सियाराम साख्य जी तरसिंह साख्य जी बलवीर साख्य जी एवं यहां पर उपस्थित सभी अरुण मंडल के सभी सम्मानित साथियों नरला सत्र के सभी निवासी साथियों यद्यपि आज का कार्यक्रम मेरा मुख्य रूप से मैत्री का था मैं जब तिरवा मोड़ क्रॉस कर रहा था तो हमारे लल्ला साहब का टेलीफोन गया मेरे पास और उन्होंने अवगत किया कि मेरे गांव में कुछ कथा चल रही है पांच मिनट का अगर आप समय देंगे तो हम सभी गांववासियों को अच्छा लगेगा इसलिए लल्ला साहब जी के अनुरोध पर आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला इसके लिए मैं लल्ला जी को और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं इस बहुत बड़ा में हमें भी शामिल होने का अवसर आप लोगों ने उपयोग कराया जैसा कि इतिहास इस बात का उदाहरण है कि शाक्यपुर में जन्मे विश्व धर्म गुरुनायक महामानव गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया मानव मानव एक समान की विचारधारा पूरे विश्व में फैलाया यही कारण है कि आज हमारे देश में बुद्ध जी तो नहीं है लेकिन उनके विचार उनके दर्शन आज भी नित्य प्रति हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमारा ही नहीं पूरे विश्व में आज भी करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित समाज की सूचना का संदेश भी उनके विचारों से मिलता रहता है जिसका नतीजा है कि विश्व के लगभग 51 देशों में आज भी भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने वाले लोग हैं उनके दर्शन पर अमल करने वाले लोग हैं तमाम देशों का राष्ट्रधर्म भी बहुत धर्म है लेकिन जिस देश में जिस परिवार में
भगवान वहां पैदा हुए थे, वो देश, वो परिवार, वो कुल कहीं ना कहीं भ्रमित हो गया था, भगवान के विचारों से, बुद्ध के विचारों से हट गया था। लेकिन दुनिया के तमाम और देशों ने उनके रास्तों पर चल करके समय समय पर हमें भी सावधान किया और समय समय पर सबको महापुरुषों ने भी बुद्ध के विचारों का समाज बनाने के लिए हमें सावधान करते रहने का काम किया। संत परंपरा में संत श्रोमण रविदास, संत कबीर, गुरु नानक ने अगर हमें मानववादी संस्कृति अपनाने की बात कही तो आगे चल करके सामाजिक परिवर्तन के महानायक जगदीश त्रिवेदी जी, देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति स्वामी जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामस्वामी नायक, नारायण गुरु, संत गाड़गे आदि महापुरुषों ने हमारा मार्गदर्शन किया। उसी विचारधारा को कभी मानववासी राम जी ने घर घर और दुनिया तक पहुंचाने की बात की। बीच में ठहराव आया, आज कुछ यथाविवादी ताक में अपने विचारों को हम पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो सिर उठा करके कहते हैं, सीना तान के कहते हैं, हम भारत भूमि से आए हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए। दुनिया के तमाम देशों में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कर्मस्थली भारत से आने का हवाला देकर अपनी बात की शुरुआत करते हैं। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अन्य देशों में भारत की पहचान किसी और से नहीं, भगवान बुद्ध से है, उनके धर्म से है, उनकी संस्कृति से है, उनके विचार से है, मानव मानव एक समान की विचारधारा से है। और यही कारण है जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में विश्व के तमाम नेताओं की बैठक में गए थे, आतंकवाद के खिलाफ वहां बैठक चल रही थी, तो वहां भी मोदी ने कहा था कि चूंकि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं, हम बुद्ध के मानने वाले हैं, इसलिए जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन वही लोग जब भारत में आते हैं तो बात करने का तरीका और तरीका बदल जाता है। भारत में आकर के बुद्ध को भूल जाते हैं, बुद्ध के धर्म को भूल जाते हैं, बुद्ध के विचार और दर्शन को भूल जाते हैं। इस साथियों आज हर सम्मान का आधार बुद्ध का विचार है, क्योंकि जब करुणा मैत्री बंधुत्व का समाज होगा तो न कोई ऊंच होगा, न कोई नीच होगा, न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई छूट होगा, न कोई अछूत होगा, न कोई भेदभाव होगा, बल्कि जितने भी इंसान हैं वो सब बराबर हैं और
और बराबरी का हक मिलेगा, यही उनका विचार था, यही उनका दर्शन है, और यही बात जो हमारे अच्छा बात खुद कथा कर रहे हैं उनका मकसद भी यही है कि हम सब मानव हैं, मानव मानव एक समान है, इसलिए न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई भेदभाव, न कोई छूत न कोई अछूत, हम सब इंसान हैं और सब बराबर हैं। करोड़ों मैत्री बंधु मानी समाज में भाईचारा हो, दया का भाव हो, आपसी आपस में मित्रता का संबंध हो, यही कुछ विचारधारा यथार्थवादी कहते हैं। धर्म की आड़ में मानवता से खिलवाड़ करते हैं, ये हमारी बड़ी पैमाने पर पहले बैठे हुए सरकार भी महिलाओं के सम्मान में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाते हैं, दिखाने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाते हैं, भाषणों में कहते हैं यत्र नारी अस्तु पूजिन्ते रमन्ते तत्र देव, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां खुशियां वास करती हैं। यहां तक कि नवरात्र के महीने में नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में देवियों की पूजा भी करते हैं, लेकिन कुछ यथार्थवादी ताक में धर्म की आड़ में पूरे देश की महिलाओं को अपमानित करने का भी काम करते हैं। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी शकल तारना के अधिकारी, तारना मतलब प्रताड़ित करना, मारना पीटना, आखिर क्यों एक और महिला सशक्तिकरण, एक और यह नारी को पूजन कर आमंत्रित कर देगा, एक और नारी शक्ति के रूप में देवियों की पूजा, और दूसरी ओर महिलाओं को मारना पीटना और प्रताड़ित करने का बात होता ना, ये कहां का न्याय? हमने तो केवल यही बात की, हमने कोई अपनी चीज नहीं जोड़ी, जो वहां काव्य में लिखा था उसी को हमने पढ़ दिया, और जो हिंदी का अर्थ था उस अर्थ को मैंने दोहरा दिया। तमाम लोगों को निकाला गया, कुछ लोग बौखला गया, पागलों की भाषा बोलने लगे, कोई सिर काटने की बात करने लगा, कोई जीप काटने की बात करने लगा, कोई हाथ नाक काटना शान काटने की बात करने लगा, क्या यही धर्म है? धर्म कल्याण के लिए होता है, धर्म मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है, धर्म समाज में भाईचारा बनाने के लिए होगा, धर्म समाज को सशक्त बनाने के लिए होगा, धर्म किसी को गाली देने के लिए नहीं होगा, धर्म किसी को अपमानित करने के लिए नहीं होगा, धर्म किसी को नीच और किसी को अधम का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं होगा, बल्कि धर्म का अर्थ बहुत बड़ा है, वो सबको लेके चलने विश्वास करता है, केवल एक वर्ग के अस्तित्व का विद्वान और शेष को नीच कहना, अधम कहना, अपमानित करना, प्रताड़ित करने की बात करना, यह धर्म नहीं है, ये द्वेष है, ये दुर्भावना है, ये अधर्म है। इसलिए अगर सही मायने में आपको समाज में भाईचारा, दया का भाव, मित्रता का भाव कहीं दिखाई पड़ता है,
तो बुद्ध के दर्शन दिखाई पड़ता है, बुद्ध के विचारों में दिखाई पड़ता है। आज हमें जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैंने जिस पर आपत्ति उठाई कि जय बलराम तेल तुम्हारा सुकुछ किरात कोल्ड करवा रहा, यानी जादू के शब्दों का प्रयोग करके गाली देना, तेली मार सुकुछ किरात कोल्ड करवा, ये नीच क्या धर्म के नाम पर ये कहने का किसी को क्या है। हम कहते हैं सभी किसान बराबर, और कुछ लोग कहते हैं कि खड़ा बड़ा नीचे, क्या यही धर्म है? क्या धर्म का काम किसी को नीच होने का सर्टिफिकेट देना? क्या धर्म का काम किसी को अधम कहने का? क्या धर्म का काम महिलाओं को अपमानित करने का सर्टिफिकेट देना? क्या धर्म का नाम शूद्रों को अपमानित करने के लिए? अगर ऐसा है तो धर्म नहीं है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो पाप भगवान खुद ने मिटाया, इसलिए आज इस अवसर पर इस बहुत बड़ा आयोजन के माध्यम से मैं जल्ला साहब ने आप सब लोगों से मिलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अपने कृपा वाचक और उनकी पूरी टीम को भी मैं शुभकामना देता हूं। आपका अनुरोध यह अभियान चलता रहता है, स्वाभाविक रूप से वो बुद्ध के विचारों को घर घर और जन जन में पहुंचाने का एक मजबूत आधार बन रहा है। आज नहीं तो कल फिर से भारत का भूमि बनेगा। आपका यह प्रयास उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और सभी लोग इतिहास को पढ़े हुए जाने, वर्तमान में लिखा पढ़ा था इतिहास भगवान बुद्ध से ही मिलता था। भगवान बुद्ध के पहले का इतिहास का कोई लिखित इतिहास नहीं, और बुद्ध के विचार का प्रयोग विश्वव्यापी, बुद्ध तो भारत में पैदा हुआ लेकिन विचार विश्वव्यापी, और यही कारण है अभी 3 साल पहले अमेरिका के राज्य की पहाड़ियों में खुदाई हुई पुरातत्व विभाग द्वारा, तो वहां भगवान बुद्ध के अवशेष में बुद्ध की मूर्तियां मिली। सोवियत रूस के पठार में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई हुई तो वहां भी बुद्ध की मूर्तियां मिली और बुद्धकालीन अवशेष मिले। अफगानिस्तान के पहाड़ों में भगवान बुद्ध की शोकमय की मूर्ति तोड़ी गई थी, बाग्यान की पहाड़ियों में, यानी अफगानिस्तान में भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली। इस देश में जहां भी खुदाई होगी, अभी अभी गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क बन रही थी, बलाई में खुदाई होते हुए वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली और बुद्ध की कालीन अवशेष मिले। अभी अभी इसके पहले अयोध्या में 3 बार पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई हुई तो 3 बार में भगवान बुद्ध के कालीन इतिहास का अवशेष मिले। तो भारत ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में कहीं जाइए तो प्राचीन ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलती है, बुद्ध कालीन अवशेष मिलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से विश्वव्यापी बुद्ध के विचार और दर्शन को मानने वाले लोग, इसीलिए विश्व के किसी भी कोने में जहां भी आवश्यकता पड़ी, प्रदर्शन विभाग द्वारा खुदाई हुई
या अन्य कारणों से खुदाई हुई तो वहां पर बुद्ध और बुद्धकालीन का इतिहास मिलना ये हमारे अति लोकप्रिय प्राचीन धर्म के प्रतीक के रूप में आज भी मिसाल मिलते हैं। इसलिए ज्यादा लंबी बात ना करके हम अंत में आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ, ये कहने जा रहा था कि हमने अभी डेढ़ महीना पहले जब देश की महिलाओं और बासठ व्यक्तियों पुरुषों के सम्मान की बात की तो लोग बहुत सावधान हुए और यहां तक कि जिन चौपाइयों से उनका अपमान होता था उसका पाठ करना बंद कर दिया। आज मुझे जानकारी मिली हम सरकार अपने पक्ष पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। यहां से हम सुंदर पाठ कर रहे हैं और सरकार सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर जी, लगे झगड़ा सच बना दिया हमने भी। यानी अब जनता जब सुंदरकांड का पाठ करना बंद कर दिया तो सरकार औंधे मुंह गिर गई। अपनी नाक बचाने के लिए अब सरकारी खर्च पर सुंदरकांड कराने की तैयारी कर रही है। लेकिन आप लोग सावधान रहना तो सरकारी खर्च के चक्कर में उस प्रचरण में आप मत फंसना, नहीं तो ले जाकर के फिर जहां से निकल के आ रहे हो वहीं ले जाकर फिर डूबने का काम करेंगे। सावधान रहना, हम तो ताल ठोक करके मोर्चा संभाले ही हैं, आप लोगों को भी ताल ठोक करके खड़े हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। अपनी बात पर देता हूं प्रणाम। जय भीम, जय भारत।